कांग्रेस ने कहा, अच्छे दिनों के लिए तैयार है देश। 60% तक बढ़ सकती है रसोई गैस के दाम। उन्होंने बाद में लिखा, वाह मोदी जी वाह, क्या लूटा है जनता को। निजीकरण के नतीजे भुगतने के लिए तैयार है देश। 1 अक्टूबर से 60% तक बढ़ सकती है गैस। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ चुके हैं, वहीं भारत में घरेलू गैस की कीमत पर अक्टूबर के महीने से नई खबर आएगी। इसमें फर्स्ट इंडियन ने लिखा है, ट्वीट किया है, महंगे पेट्रोल पर तांडव करने वाली कांग्रेस की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा है देश। यूपीए सरकार का बोझ उतार रही है मोदी सरकार। मार्च 2026 तक करना है 1.31 लाख करोड़ का भुगतान। बीजेपी में प्रदेश स्तर पर दो बड़े बदलाव। डीपी नड्डा ने बदले दो राज्य के पार्टियों के प्रमुख। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दो राज्यों के पार्टी प्रमुख को बदल दिया है। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी सत्तासीन है। बीजेपी नड्डा ने शारदा देवी को मणिपुर बीजेपी का अध्यक्ष, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो असम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। हालांकि मणिपुर में पिछले महीने प्रदेश अध्यक्ष के निधन के बाद ये पद खाली रह गया था। जेपी नड्डा ने भावेश कलिता को असम प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि ये दोनों नियुक्ति एक ही हफ्ते पहले 20 जून को की गई थी, लेकिन पार्टी की ओर से इसे आज शनिवार को जारी किया गया है। यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो रही हैं। कांग्रेस की तरफ से एक और ट्विस्ट किया गया। कांग्रेस पार्टी की मांग करती है कि मोदी सरकार यथाशीघ्र महंगाई से लाचार और परेशान केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बहाली व अदायगी की जल्दी से घोषणा करे। एमपी कांग्रेस ने एक और ट्विस्ट किया। शिवराज की एक और वाहवाजी योजना, 3 साल में किसी को नहीं मिला 25 लाख का ऋण। मध्य प्रदेश की ऑटोमेटिक घोषणा मशीन, शिवराज सिंह चौहान की इंजीनियरिंग को ठेकेदार बनाने की योजना के तहत 1200 लोगों को परीक्षण तो मिला पर किसी को ऋण नहीं मिला। उन्होंने ये भी लिखा, शिवराज जी क्यों जनता का पैसा और समय बर्बाद करते हो।